मैं थोड़ा एक और बार क्वांटम नंबर को ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स चार होते हैं, ठीक है? दैट इज एन, उसके बाद दूसरा होता है एल, तीसरा एम और चौथा एस। ये बताता है आपको ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है वन से, 1, 2, 3, 4, दैट इज के एल एम एन। क्या क्या पता चलता है? तो एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट, रेडियस, वेलोसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब पता चलेगा। एल इंडिकेट करता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, दैट इज एस पी डी एफ। ओके, एल की वैल्यू 0 मतलब एस ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 1 मतलब पी, लाइकवाइज। ठीक है, चलो। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन, तो एल इज इक्वल्स टू 0 से लेकर n-1। फर्स्ट ऑर्बिट के पास सिर्फ एस ऑर्बिटल होती है अकॉर्डिंग टू दिस, सेकंड के पास एस और पी, थर्ड के पास अगर एन थ्री पुट करता हूँ तो एल की वैल्यू एस पी डी आएगी, और थ्री पुट करता हूँ तो चारों आएगी। एम की वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंडिकेट करती है, या तो आप बोल सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 प्लस और माइनस, 0 से लेकर प्लस और माइनस एल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएगी एल की वैल्यू पुट करने से, और एस की वैल्यू, एस या मैग्नेटिक स्पिन, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 होती है, आइदर प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। ठीक है, चलो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला बताई थी, एम वी आर इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई रूट एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई रूट एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, जिसकी ज़रूरत कम पड़ेगी लेकिन ये पता होना ज़रूरी। चलो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट पुट करता हूँ तो फर्स्ट के पास सिर्फ एस होती है, तो अब मैं लिखता हूँ अगर 1s, तो ये 1 इंडिकेट करता है ऑर्बिट और एस इंडिकेट करता है ऑर्बिटल। 1 की पी तो पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एन की वैल्यू 1 होती है तो एल की वैल्यू 0 ही हो सकती है, क्योंकि एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 ही होती है। ठीक है, चलो। अब हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और जिसको लिखने के लिए हमारे पास 3 रूल है। सबसे पहला जो रूल है वो है ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो का मतलब होता है अरेंजमेंट। पहले मैं इसका स्टेटमेंट बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स इन इन एन एटम शुड बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम शुड बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अब सवाल यह है किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। सो देखो, मैं एक यहाँ पर बताता हूँ एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसके लिए बनाना बहुत आसान है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के पास सिर्फ एस ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट के पास एस और पी दोनों होती है, थर्ड ऑर्बिट के पास एस ऑर्बिटल, ये थर्ड की पी और ये थर्ड की डी, फोर्थ ऑर्बिट के पास एस पी डी और एफ चारों होती है, पांच के पास भी एस पी डी एफ सब आएगी, जी भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है हमें, सिक्स के पास भी एस पी डी एफ हो जाएगी, सेवन्थ के पास भी एस पी डी एफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख देना है, और फिर
मैं यहाँ पर ऐसे क्रॉस लाइंस बता देता हूँ जो हमें ऑर्बिटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये ऐसे एरो बताना है हमें। ठीक है, यहाँ से मूव करेंगे, पूरा एरो कंप्लीट करना है। सबसे कम एनर्जी है एस की, 1s के बाद ये ख़त्म हो गया। अब 2s, 1s 2s के बाद कौन सी आएगी, 2p, 2p के बाद आएगा 3s, 3s के बाद आएगा 3p, 3p के बाद कौन सा आएगा, 4s, 4s के बाद 3d, के बाद 4p, के बाद 5s, के बाद 4d, लाइकवाइज आगे बढ़ना है। ठीक है, जब तक कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फुलफिल ना हो आप हायर एनर्जी में नहीं जा सकते। ठीक है, और ऑर्बिट कोई भी हो, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो एस ऑर्बिटल कितनी होती है, 1, पी होती है 3, डी होती है 5 और एफ होती है 7। और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डबल, मतलब 2, 6, 10 और 14। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है और हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिफोर वी फिल हम दो और रूल देखते हैं जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। दूसरा जो रूल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते जो हमें पता है। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो है नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी मैं बात करूंगा।